डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग मज़े में होंगे। अभी ठंडा तो धीरे धीरे अब कम होने लगा है, इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। संभवतः एक दो महीने में स्कूल भी खुल जाएगी और आप लोगों का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है एक साल से, वो आप लोगों का पढ़ाई जो है लाइन पर आ जाएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद एक्सरसाइज 60 को मैं आपको बना कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा। और कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका जो है व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। और आप लोगों को बता दूं कि इस नंबर पे आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। आप लोगों को इसमें कोई कॉल लगने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग जिस प्रकार पढ़े थे ग्राम और किलोग्राम के बारे में, तो जस्ट उसी प्रकार का ये भी है। यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर के बारे में दिया हुआ है इस चैप्टर में। कैपेसिटी आप देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, तो आयतन का माप। आयतन का माप मतलब किसी लिक्विड को हम लोग किस तरह से मापते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर बतला रहा है। तो उसको हम लोग लीटर मिलीलीटर में मापते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 1 ml, 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर। ये लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये मिलीलीटर हो गया, ये लीटर हो गया, इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आएगा। पिछला चैप्टर में मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट के बारे में, तो इसमें भी बिल्कुल वही है। ml हो गया और ये हो गया l, तो ये मिलीलीटर और ये लीटर, ये छोटा यूनिट हो गया और ये बड़ा यूनिट हो गया। तो आप लोगों को याद होगा कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को। एक चीज़ को कई बार रिपीट करने के बाद बच्चे सीखते हैं, या कोई भी रिपीट होता है तभी सीखते हैं। तो हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। ये हो गया। इस चैप्टर का बेसिक यही है, इसी के आसपास जो है पूरा ये चैप्टर है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो समझिए कि ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसमें आपको क्या मिलेगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपको इसी से सारा संबंधित रहेगा कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा मिलेगा इससे संबंधित एड मिलेगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई मिलेगा, और फिर डिवाइड मिलेगा, और उसी से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। बस इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 60 को सॉल्व करते हैं। यह है एक्सरसाइज 60, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कन्वर्ट इनटू लीटर्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मिलेगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ml से लीटर, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ml में दिया हुआ है, आप सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 ml हो गया, 29 ml हो गया, इस तरह से। तो ml मतलब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको आसानी से बनाते हैं, ये 3 है, इसको क्या करेंगे, 3/1000। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 जो 0 है तो लास्ट में यह आ जाएगा। और अब इसको इस तरह से देखिए, 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहना चाहिए, तो ये सिर्फ अकेला है, तो 2 ठो नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे और 3 लिख देंगे। ये हो गया ये लीटर, बस यही इसका आंसर हो गया। इसमें भी उसी तरह से करेंगे। वैसे तो मैं इसको सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोगों को प्रोसेस बता दूँ, क्योंकि जिस जगह पे आप नहीं जानेंगे, नहीं पता चलेगा, तो उस समय प्रोसेस ही काम आता है कि किस तरह का प्रोसेस है, उस तरह से आप बनाएंगे और सारा हिसाब बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 29 और इसके नीचे 1000। फिर यहाँ 2 डिजिट है तो हमको 3 चाहिए, 3 जीरो है तो 3 चाहिए पॉइंट के बाद, तो 1 नहीं है, उसके जगह पर 0 रखेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.029 ml, तो l हो जाएगा, और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में बिल्कुल वैसा ही होगा, सबके साथ वही होगा, वही प्रोसेस। जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और 3 डिजिट के बाद जो है इधर से पॉइंट लगेगा, तो इसमें 3 डिजिट ऑलरेडी है, इसीलिए इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0.705, ये हो जाएगा लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में 850, तो 850 उसके नीचे 1000 और इसमें 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, 0.850 लीटर आंसर, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर ई, इसमें थोड़ा सा बड़ा नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27006 और इसके नीचे 1000, तो 1000 में 3 जीरो है, तो इसमें 3 डिजिट गिनने के बाद पॉइंट दे देंगे, इसका मतलब है कि 27.006 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। और इसमें एक्चुअली लीटर यहाँ पे है ही, और ये ml,
तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, ये लीटर है, यहाँ सिर्फ पॉइंट लगा देना है और ये बन जाएगा 25.129 लीटर। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है पॉइंट देने के बाद ये लीटर में आ जाता है और ये जो है इस पॉइंट के बाद जो होता है वो मिली लीटर में आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। और जी नंबर में इसका भी आंसर डायरेक्ट लिखाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है। हम क्या करते हैं, इसको 2 × 100 कर देते हैं, मतलब 1000 कर देते हैं, इसको पूरी तरह ml में चेंज कर देते हैं, प्लस 80, ये हो गया। अब 2000 यहाँ पे 2000 प्लस 80 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2080 ml हो गया, ये कम्प्लीटली ml। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको हम, क्योंकि यहाँ पे 80 दिया हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे इसको 800 समझ ले, इस तरह से लिख दे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ये 80 हो गया तो यहाँ पे 1000, तो इसमें 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.080 लीटर, ये हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है कि वो 2.80 लिख दे और यहाँ पे आ रहा है इतना, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए इसको मैंने पूरा डिटेल में बना के दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक उसका उल्टा है, जैसे कि अभी हम लोगों को लीटर में चेंज करने के लिए कहा गया था, अब यहाँ पे मिली लीटर में चेंज करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो मिली लीटर ऑलरेडी पहले से है उसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको इसको चेंज करना है और इसको सिर्फ उसमें ऐड कर देना, प्लस कर देना। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 × 1000। हमको लीटर से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको प्लस कर दिए जो पहले से मेरे पास मिली लीटर में है, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 35 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2035 मिलीलीटर, क्योंकि हमको मिलीलीटर में बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो दिया हुआ है, तो पॉइंट के पहले जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि वो लीटर में होता है, तो यहाँ लीटर कुछ भी नहीं है, तो जो बाद में है तो मिलीलीटर है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, ये 218 जो है मिलीलीटर में आ जाएगा, ये मिलीलीटर हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में 0.075, तो मिलीलीटर जो है इसका ml ये हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 75 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी वही चीज़ है, पॉइंट के इधर कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए लीटर इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ मिलीलीटर है, तो 80 मिलीलीटर हो जाएगा, 80 मिलीलीटर, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ई, उसमें तो दिया हुआ है 1 लीटर है, इसको मिलीलीटर में करना है, तो क्या करेंगे, 1 × 1000 कर देते हैं, प्लस 8, यहाँ उससे पहले 2 जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा, 8, तो 1000 का 1000 हो जाएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 8 इक्वल टू 1008 मिलीलीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह का है, यहाँ पे लीटर में है 17, तो 17 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको प्लस करते हैं 909, ये क्या हो जाएगा, 1700, मतलब 17000, ये 3 जीरो इस पर लग गया, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 3 जीरो इस पर आ जाएगा और प्लस 909, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये 909 यहाँ पे आके इसके साथ लग जाएगा, मतलब 17909 इतना हो जाएगा, ये ml हो जाएगा, ml, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है लीटर मिलीलीटर दोनों में, तो कौन लीटर है और कौन मिलीलीटर है, तो अलग अलग करके दिखाना है। तो यहाँ पे पॉइंट के इधर जो है वो लीटर होता है और पॉइंट के इधर जो होता है वो मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पे लीटर में कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ उसमें लीटर में नहीं लिख सकते हैं, तो मिलीलीटर में जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा, तो 90 दिया हुआ है, 90 ml, क्योंकि लीटर में है ही नहीं तो उसका आंसर कहाँ से हम लीटर में दे सकते हैं, तो जो ml में है तो उसी को हम दिखा देंगे और वही उसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे भी लीटर में कुछ भी नहीं, पॉइंट से पहले जो दिया हुआ है उसमें कुछ भी नहीं है, तो ml में है 880, तो 880 ml ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, लीटर में दिया हुआ है तो लीटर में 1 है, तो 1 हम लिख सकते हैं, 1 लीटर
और 66 यहाँ पे हट गया है 100 के प्लेस पे, ये टेंस वंस प्लेस पे है, तो 66 ml हो जाएगा, ml ये इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर में लीटर में 20 दिया हुआ है तो 20 लीटर हम लिख देंगे, 20 लीटर और 7 इसके 00 प्लेस पे, 100 टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 7 सिर्फ हो जाएगा, 7 ml ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। रेणुका बाउट 0.5 लीटर मिल्क, रेणुका 0.5 लीटर मिल्क खरीदती है, हाउ मेनी मिली लीटर मिल्क डिड सी बाय, तो मिली लीटर में ये कितना खरीदी, तो एक्चुअली ये मिली लीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है, तो मिली लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मिली लीटर में चेंज करने के लिए मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए कह रहा है, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 500 मिलीलीटर, मिलीलीटर में ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से, सपोज कि यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट है तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, आप पॉइंट हटा दीजिए, सपोज ये 5 है, 5 है तो आप 1000 लिए, 5 लिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 आएगा, 5000 और पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो वन डिजिट इधर से गिन के आप पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो गया 500 वैल्यू हो गया, इस तरह से ये 500 ml आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें क्या बतला रहा है पहले पढ़ते हैं इसको फिर पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, यहाँ पे दिया हुआ है ये जैसे 3.060 लीटर, तो इतना लीटर बराबर ये जो दिया हुआ है क्या ये सही है, तो इतना लीटर, ये लीटर 3 लीटर तो सही है लेकिन यहाँ 60 हो रहा है और यहाँ 600 दिया हुआ, मतलब ये 6 अगर यहाँ रहता तो ये सही होता, तो इसीलिए ये फॉल्स है, मतलब ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में 2.04, तो 2 लीटर है, पॉइंट के इधर लीटर होगा तो यहाँ पे 2 लीटर तो है, यहाँ पे 04 मतलब ये 100 प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है फिर भी यहाँ पे वंस प्लेस रहता है, इसका मतलब है कि ये टेंस प्लेस पे दिया हुआ है तो ये 40 इसका वैल्यू होगा, तो 2 लीटर 40 ml इसका मतलब है कि ये सही है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, ये सही है। और यहाँ पे सी नंबर में 1.06, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि ये 60 का वैल्यू है, तो 1 लीटर तो यहाँ दिया हुआ है लेकिन यहाँ 60 नहीं दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर इसके बाद 6 रहता दो जीरो लगा के तब ये 6 ml होता, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। डी नंबर में लीटर में कुछ भी नहीं है, तो लीटर में कुछ नहीं है तो सिर्फ ये ml में आएगा 900, तो 900 ml दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो ट्रू, इसको ट्रू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द बॉक्सेस टू फाइंड द नंबर्स ऑफ कंटेनर्स यूज्ड, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यहाँ पे एक लिक्विड जो है मापना है, कुछ भी है उसमें, तो उसको जो है उसका कंटेनर्स किस किस कंटेनर्स का, मतलब कितने कितने माप का कंटेनर्स की आवश्यकता पड़ेगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वहाँ यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए 1.500 लीटर मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वन लीटर, मतलब 1 लीटर का उसमें कंटेनर एक का जरूरत एक बार जरूरत पड़ेगा, और 1500 एंड 1 तो और जो है 500 का एक बार का जरूरत पड़ेगा, 500 का कंटेनर जो है एक बार लेना पड़ेगा, तो 1 लीटर से 1 हो गया और 500 बच जाएगा, तो ये इसमें से एक बार यूज करना पड़ेगा, मतलब 1 लीटर का एक बार यूज करना पड़ेगा और अब 500 ml का एक बार यूज करना पड़ेगा, ये हो गया, ये बना हुआ है ऑलरेडी, इसको समझने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी नंबर में 0.500 लीटर, मतलब है कि यहाँ 500 मिली लीटर है, लीटर में तो कुछ भी नहीं है। ऑयल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग 200 ml एंड, तो 200 ml का कंटेनर जो है दो बार यूज करेगा तो फिर बच कितना जाएगा, इस पर बच जाएगा 100 ml बच जाएगा, तो कितना बार यूज करेगा, 1, तो 100 ml कंटेनर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 500.200 मतलब 200 ml हो गया। डीजल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग डेस 1 लीटर, तो 1 लीटर का कंटेनर जो है वो कितना बार यूज करेगा, 1 लीटर का अगर कंटेनर उसके पास है तो वो 5 बार उसको यूज करना होगा तभी 5 लीटर वो उसमें से माप सकेगा, तो यहाँ पे हो गया 5 एंड 200 ml कंटेनर, 200 दो बार जो है 100 ml का कंटेनर जो है उसको दो बार यूज करना पड़ेगा, 2 यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से हो गया। उसके बाद डी नंबर में 0.250 मतलब 250 ml हो गया पेट्रोल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग
100 ml का कंटेनर है तो कितनी बार यूज करेगा, और यहाँ 50 ml का एक कंटेनर है तो 100 ml का कंटेनर उसको दो बार यूज करना पड़ेगा, तब 200 ml उसमें से मेजर कर सकेगा, माप सकेगा, तो दो बार, तो यहाँ हो जाएगा 200 इसमें से निकल गया, और 50 ml का कंटेनर वन बार, तो वन बार ये हो गया। तो इस तरह से ये फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 60 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कुछ समझने में दिक्कत होता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द ही हम लोग इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को एक दो दिन में ही हम लोग खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।